गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी प्रयागराज के एक पार्क में आया हुआ हूँ। ये वही पार्क है जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों के द्वारा गोली मार दी गई थी। आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ अंदर एंट्री करने का टिकट लेना पड़ता है जो 5 रुपए का है। तो चलिए अब देखते हैं अंदर पार्क में और अपने स्वतंत्रता सेनानी हीरो चंद्रशेखर आज़ाद जी का वो स्थल जहाँ पे उन्हें गोली मार दिया गया था। टिकट क्या रखें? टिकट पकड़ में चाहिए। एक मिनट खड़े हो जाओ। कैमरा पकड़े दीजिए। आइए मैं पूछो। चलिए आप आगे की तरफ। हमने निकाल दिया। उतार के रहा हूँ। हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था और 27 फरवरी 1931 में इन्हें गोली मार दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, उसके बाद इनके हृदय में बहुत ही बदलाव आ गया था, हृदय परिवर्तित हो गया था इनका। और उस समय से फिर इनका और भगत सिंह दोनों मिलके संसद में धमाका कर दिए थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो अंग्रेज़ों का पूरा दांत खट्टा कर दिए थे। मैं बचपन से इनके व्यक्तित्व को लेके बहुत प्रभावित रहा हूँ। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे उस स्थान पे आने का मौका मिला है जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनके व्यक्तित्व पे बहुत सारा फिल्म भी बनाया गया है। सनी देओल की कई फिल्मों में उनका नाम आज़ाद रहा है। ये वही स्थान है जहाँ पे
चंद्रशेखर आजाद वीरगति को प्राप्त हुए थे। यहाँ ये शिलापट पे ये लिखा हुआ है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी चंद्रशेखर आजाद, जो विदेशी सत्ता के साथ सशस्त्र संघर्ष में गोली से आहत होने के कारण फरवरी 1931 को इसी स्थान पर वीरगति को प्राप्त हुए थे। हमें गर्व है ऐसे महापुरुषों पे जो हमारे देश में जन्म लिए और जिनके वजह से आज हम लोग खुले में स्वतंत्र रूप से अपनी जिंदगी यापन कर रहे हैं। हमारी देश की धरती ऐसे वीर सपूतों से भरा पड़ा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो लाल वीरेंद्र जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है, आज हम लोग आजाद पार्क में आए और उस स्थान पे हैं हम लोग जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। बड़ा अच्छा लगा। बचपन से हमने ये कहानी सुनी है। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हमें भी बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने जो है ज़िंदगी में पहली बार यहाँ पर आकर इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस पार्क में जो है वीरगति को प्राप्त किया था, अंग्रेज से लोहा लिया था, उसे देखकर हमें बहुत अपने आप को गर्व महसूस किया जा रहा है कि हमें उसको जो है नमन करने के लिए आए हो। बहुत बड़ी, कहाँ से आए हो आप? हम नजीबाबाद से आए हैं, काम से आए थे किसी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है हम उस स्थान को देखें जहाँ पर हमारे जो है सेनानियों ने जो है अपने आजादी में सही प्राण का बलिदान दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर से भी दोनों प्रॉपर रखिएगा। फोटो हम दोनों लोग साथ में करवा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वो फोटोग्राफर भैया हमारे फोन में। धन्यवाद। ठीक है, चले और नजदीक आ जाओ। अब हम लोग पार्क के दूसरे तरफ बढ़ते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए थे, उसके बाद
अपने देश के जितने भी लोग थे यहाँ बहुत भारी मात्रा में आने लगे थे। इससे अंग्रेजी हुकूमत बहुत परेशान हो गई थी। वाकई में इस स्थान को एक मंदिर का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। वाकई में हमारे देश के भगवान हैं ये। हमारे देश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, उन सबों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों का मतलब कमाल का योगदान रहा है। दोस्त, ये मूर्ति के बाद और कहीं अच्छा जगह घूमने का, इसके बाद पार्क की बात करें तो लगभग सब जगह कबूतरों ने गंदा कर रखा है। अच्छा चलिए थोड़ा सा तेज कदमों से हम लोग उस तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ ना सात चीज को इंगित किया गया है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति, राजकीय संग्रहालय, युद्धक विमान MiG-21 यहीं पार्क में मिलेगा, और फिर विश्व स्तरीय जॉगिंग ट्रैक, झील फव्वारा, झूला प्रांगण, पुष्प वाटिका। तो ये छह चीज अभी बच रहा है हम लोगों को घूमने के लिए। चलेंगे चलेंगे। तो हम लोग किस तरफ चलें? इस तरफ चलिए। रखो कि तब होगा, रखो फोन तो फिर होगा, इसको कॉल कर रहा हूँ मैं। भैया वो फाइटर जेट MiG-21 किधर रखा हुआ है? इसी रास्ते पे। ये कहाँ है? वो ये कहाँ है? ऐसे ही बैठने उठने का जगह है ना? देखते हैं आगे कई सारी चीजों को हमने पढ़ा है। हेलो हेलो, आया ना चल रहा है, आया ना उठाया फोन। अंदर में मंदिर भी है क्या? कौन सा मंदिर? ओह चंदन वंदन लगा के आ रहा है वो लोग। दोस्त थोड़ा सा मेरा वीडियो बना दो ना। चलते चलते चलो आप आगे। कुछ बोलबो करबो कि बस एक समय देखो क्या म्यूजिक सेट हो जाएगा। जो बोलना था वो हमने बोल दिया है वहां। हां शेखर जी के मूर्ति के पास। हां
कहाँ से हो आप दोस्त? हम यही प्रयागराज से हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर है मांडा। घूमने आए हैं आप भी? इधर जॉब वॉब करते हैं? बच्चों को तैयारी करा था। किस चीज़ का? रनिंग। अच्छा रनिंग, अरे वाह बहुत बढ़िया। क्या दिखाते? कहाँ पे? अरे तो चलो यार अभी दिखा दो। चल चलते हैं, चल चलते हैं। तो पेशाब करने हम लोग भी चलते हैं ना उधर।